सीपीआईएम लीडर एम सुनवास ने दुब्बाक असेंबली हलके इलेक्शन में बीजेपी की कामयाबी और टीआरएस की हार पर अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि दुब्बाक की आवाम ने टीआरएस को सबक सिखाया है और अपनी नाराजगी बताई है। देखिए सीपीआईएम लीडर सुनवास का इस जमन में क्या कहना है। कल दुब्बाक का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट बाय इलेक्शन का रिजल्ट आया और रिजल्ट्स में टीआरएस हार गया, बीजेपी कैंडिडेट जीत गया। उसमें ये बीजेपी का फेवर वोट आया बोल के नहीं समझना, ये वोट टीआरएस गवर्नमेंट का फंक्शनिंग का खिलाफ पब्लिक ने वोट दिया। टीआरएस गवर्नमेंट जितने वादा दे रहे वो इम्प्लीमेंटेशन में सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ एंड पब्लिक का जितना मसाइल है, पब्लिक इतना एक्सपेक्टेशंस है, पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई। टीआरएस का मनमानी अभी चल रहा, उसके खिलाफ अभी पब्लिक ने वोट दिया। अभी ये पब्लिक का वोट से गवर्नमेंट एटलीस्ट अभी समझना पब्लिक का नाराजगी कैसा है, पब्लिक का क्यों हमारे खिलाफ वोट दिया वो समझ के गवर्नमेंट फंक्शनिंग में एडमिनिस्ट्रेशन में सही तरीके से गए तो अच्छा रहता, नहीं तो और नुकसान होने वाला। कल जीएचएमसी इलेक्शन में का सामने वो आने वाला है, इसलिए गवर्नमेंट उसका पॉलिसी उसका इम्प्लीमेंटेशन में चेंजेस आना। बीजेपी का फेवर, बीजेपी का इतना खुशी होने के नहीं नहीं, बीजेपी कुछ अच्छा काम नहीं है। नेशनल लेवल पे बीजेपी को बहुत सारे फेल्यूर्स है, स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा फेल्यूर्स है, बट यहाँ स्टेट में टीआरएस गवर्नमेंट पब्लिक को डायरेक्टली दिख रहे वो गवर्नमेंट का फेल्यूर्स दूसरा कौन है अल्टरनेटिव बोल के बीजेपी के डाले। ये बीजेपी के फेवर का वोट नहीं है, सिंपली इट इज टीआरएस के खिलाफ है। एटलीस्ट टीआरएस अभी सोचना एंड बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट का एंटी पीपल पॉलिसी के खिलाफ सही आवाज उठाना, सही फाइट करने के भी यहाँ सेक्युलर पार्टी इकट्ठा करने के भी कोशिश करना और उसका गवर्नमेंट फंक्शनिंग स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनिंग में भी सुधार और डेवलपमेंट आना, सही फंक्शनिंग होना, सही एडमिनिस्ट्रेशन होना, पब्लिक का जो तकलीफ है वो सुनना, उसका हल करने के लिए कोशिश करना। जब आने वाले दिन में अच्छा होने का रहता, नहीं तो और टीआरएस डूबने का तो चलना जरूरी होता।